ਤਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪਨੀਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਨੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ। ਤੋ ਆਜ ਹਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਕੇ ਸਮਕਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में भी कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो है सरकार से टकराव से बचें और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी। हम आशा करके ही, भरोसा करके ही 5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे। हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी भी हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं, हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने, हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं, हरियाणा के हर गांव के किसान को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा MBBS कर रहा उसे करने नहीं देंगे, आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे, आपका घर भाई नौकरी कर रहा उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए आप पंजाब हरियाणा किसे भारत के दो राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं जो हमें जो नजर आ रहा है। अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं इससे लोगों को तकलीफ होती है, हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे, आज भी नहीं कह रहे कि हम कहें रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से, और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग, उनकी एक और थी आगू उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए, आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे से टिकटें ली हुई थी उनको अरेस्ट कर लिया, आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे, क्यों पहुंचे? हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए, पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए, हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, अजय लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है जो हमने देखा। देखिए सीधी सी बात, बहुत आसान बात है, MSP खरीद की गारंटी का कानून वो कह रहे हैं इस पे मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, CACP एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है, वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है, हर 6 महीने बाद गेहूं हो धान हो और चीजें हो उनके ऊपर वो MSP का अनाउंस करते हैं। कुछ 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 फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें भी आपकी मंडी में MSP से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए, हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था, आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी बोला मानजोग प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था MSP गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा था C2+50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे, उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था
तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर, सरकार का पक्ष भी सुना, जो जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया भी एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा, हमने कहा आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया, 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया तब कर लेते, तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं भी सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। C250 के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है, किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने मालूम करना पड़ेगा कितना है भाई, ये बैंकों का काम है, 10 मिनट का काम है, भारत सरकार चाहे डेटा 5-4 दिन में कलेक्ट करके दे सकती है, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते चलो डेटा भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए भी, हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे, नोटिफिकेशन कीजिए कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो मीटिंग चसी सारी वार्ता, उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहां बोला है, सब कुछ कहा है, इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से, सरकार गोली मारे लाठी बरसाए सहेंगे दिल पर, ठीक है, आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ, हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है, तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है, वो हमारे अक्ष को सहम, हम देश के किसान मजदूर है, किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती, हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है, ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई है, हम कोई लेफ्ट नहीं है, हम जो CPI CPM ने जो बंगाल में राज किया उन्होंने 200 गलतियां की, वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया, हम किसी के पक्ष वाले नहीं है, हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी है। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, NRI भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, सभी सिविल सोसाइटी उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है, उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान है इस देश में, खेत मजदूर अलग हैं, तो 70-75% आबादी की मांग है, सब हम मिलके करेंगे, इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। तो ये हमारी बात सी, और मैं हुण पंजाबी च कह देना चाहना कि देखो भराओ, पंजाबी ते हरियाणा मीडिया, मैं सारा मीडिया कहना चंगा, कोई माड़ा नहीं है, अपने बंदे जरूर मीडिया। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਕੋਈ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ
उन्होंने 10-10 फुट दियां कंधां करतियां किल्लां कटतियां ते सरकार दे सारे प्रोग्राम करके लोगों को तकलीफ आ रही है। असी लोगों को कहना चाहते भी साडे वल्लों कोई अजिहा प्रोग्राम नहीं हैगा भी असी सड़क ब्लॉक करनी है, सरकार ने सड़क ब्लॉक कीतियां है। देखो दो सवाल है, देखो मीडिया जिवें बराड़ जी से अपने पत्रकार जिवें उन्हें बार्डर से कैमरा खोया गया, असी मीडिया ना सरकारी तौर पर कोई भी बदतमीजी की जाती है उसकी निंदा करते हैं, ठीक है। देखो ये देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो तुम वेख लो भी जिवें ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹਮਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਂ ਵੀ ਉਠਾਈ ਥੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਥਾ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀਏ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਤ, ਹਮਨੇ ਦੋ ਦਫਾ ਜਾ ਕਰ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੇ, ਦੋ ਦਫਾ ਹਮ ਚਲ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਤੱਕ, ਹਮਨੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। मीटिंग के अंदर जिस पर सबसे ज़्यादा बहस हुई कि वो सब कमेटियों के लिए बात करते हैं, अलग अलग फोरम के लिए बात करते हैं, कमेटियों को बड़ा करने की विस्तार करने की बात करते हैं, फिर करते हैं कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन अजय मिश्रा टैनी जो 120 बी का अपराधी है उसको बर्खास्त करने के लिए तो किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं थी, तो वो उस पर बोलते हैं कि वो चुप ही कर जाते हैं, इस बात पर उनको कोई उत्तर ही नहीं होता है। तो हमने सरकार ने अभी तक एक भी कदम किसानों मजदूरों के हक की आवाज के लिए नहीं बढ़ाया है। तो दूसरी बात, जब हमने बोली है कि आप चर्चा की बात आज करते हैं कि दो साल के अंदर एक भी एमएसपी की कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, आपका कहीं बयान तक नहीं आया, सरकार ने कहीं संसदीय सत्र बुलाने की बात नहीं की कि विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो सरकार की तरफ से एक भी कदम नहीं है। और हमने कल स्पष्ट कर दिया था कि जब अमृतसर से काफिला चला था कि हमने दिखाया कि कितने डिसिप्लिन के साथ किसान चल रहे हैं, बिल्कुल रोड नहीं रोका गया था, एक लाइन के अंदर किसान थे, लगभग 600 से ऊपर ट्रैलियां थी, आज 1000 ट्रैली यहां पर फतेहगढ़ साहब के अंदर खड़ी है बिल्कुल लाइनबद्ध, और कहीं पे भी नहीं रोका जा रहा है। और लोगों को परेशानी हो रही है ये पिछले 3 दिन से, मैंने कल ही पढ़ा था कि बार चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने इसके लिए बोला है कि आप ये हम नहीं पहुँच सकेंगे कोर्ट, आप हमारा इसमें सहयोग करें, और उसके लिए हाँ PII डाली गई है। हाँ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕ ਲੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਓ, ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਬਤਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜੇ, ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ
नहीं है ना होना वा ठीक है जी असं लड़ाई लड़न जा रहे हैं एक ही सरवण पंधेर की ज होर जथेबंदियों की निजी लड़ाई है साड़ी ये देश की आ हम दे जड़े देश के दे किसान मजदूर मंगा लैके देना चाहते आज न खुला सद्दा वा दिल्ली दियाँ सड़क खुलिया वा करोड़ा लोग समाए जाने किन्ने रोकया किसी देखिए अभी इसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा मौके की परिस्थितियां किस तरह की होगी क्या निर्णय लेने पड़ेंगे ये मौका बताएगा साहब ये बताइए आप गुरनाम और बातचीत की जा रही है कोई बातचीत करने होता आया क्या देखिए देखिए बातचीत हो रही है बातचीत के लिए तैयार हैं इसमें कोई दोरे नहीं है रास्ता खुला हुआ हाँ बातचीत से सरकार निकालना कुछ नहीं चाहती हाँ, आंदोलन को टालना चाहती है पंदेर साहब ये मान के चले इस बार पंदेर साहब ये मान के चले कि गुरनाम चढ़ूनी राकेश टिकैत इस आंदोलन में नहीं दिखेंगे सभी सभी दिखेंगे देख लीजिए आप आंदोलन की मांगों के ऊपर कंसल्टेशन करिए ठीक है ये देश के हित में होगा किसान मजदूर के हित में होगा देखिए तो आप इनवाइट करते हैं मैं ना सभी आएंगे सभी को इनवाइट किया हुआ किसी को एनी भी नहीं किया हुआ सपोर्ट कोई जड़ा मर्जी करे उदा की रौला असी आप दी स्टेज ते किसे भी पॉलिटिकल पार्टी नू बोलन नहीं देंगे सपोर्टरां बारे साड़ी अड पहुंच होगी कोई बाहर आके थले जो मर्जी करता रहे उदे की रौला हैगा ठीक है अपनी पोजीशन वेखे जे लोग विरोध करते हैं साड़ी स्टेज तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलूगी ठीक है हम तो जो भाजपा समर्थित किसान और खेत मजदूर है उनको भी बोलना चाहेंगे आप वोट चाहे तो भाजपा को दीजिए जब किसान और खेत मजदूर की बात आ रही तो हमारे साथ खड़िए हम आपके मांगों के लिए लड़ने जा रहे हैं अब ये बताइए देखो सिर्फ नजरिया ऐसी भी आंदोलन किवें टल जाए होर ओहदे विच कुछ भी नहीं सी असी बैठे रहे पूरा मत्था मारिया सानू पता लग गया घंटे च भी देना कक्ख नहीं अहीं चार घंटे होर बैठे रहे भी सरकार यह ना कहे भी किसान अग उठ के चले गए देश देश के लोग ये ना कहें कि किसान लीडर बातचीत से मसले का हल नहीं करना चाहते हमने पूरी उनसे कोशिश की भी कोई ना कोई मसले का हल हो जाए और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आप कह रहे हैं कि सबको वो सब शंभु बॉर्डर पे पहुंचेंगे आप कह रहे देखिए 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 देन साडे लोग कोई वीरे टकरा नहीं होगा तुसी नाल होना सरकार गोलियां मारे डांगा चलावे सरकार टकरा कर रही है असी नहीं टकरा करांगे आप ये बताइए आपने कहा सबको इनविटेशन है राकेश टिकैत को गुरनाम मैं बोल रहा हूँ आप पर्सनल किसी के नाम ले रहे हैं मैं बोल रहा हूँ देश हित में लड़ाई है देश के किसान मजदूर के लड़ाई जो आ जाए किसी को नाम नहीं करते हम ठीक है जी